ये हमारी सिक्योरिटी चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है आज बड़ा प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए पूरी इंडस्ट्री के लिए पूरी इंडिया के लिए कि दिलीप साहब को आज विभूषण मिला क्या कहना चाहिए हमने सुना कि आप इमोशनल हो गई थी क्यों नहीं इमोशनल होंगी वर्ल्ड टुडे मुझे इतना अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और ये सब जो कहते हैं कि बहुत पहले दे देना चाहिए था तो वो तो है ही लेकिन ये अवार्ड जो है वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से है लेकिन जो आप लोगों ने सब हिंदुस्तान के जितने लोग हैं और दुनिया के जितने लोग हैं जो सब लोगों ने उनको अपने दिल दिए हैं उनकी मोहब्बत दी है अपनी उनका एतबार दिया है दे रिस्पेक्ट हिम नॉट जस्ट एज अ फिल्म स्टार बट एज दिलीप साहब द ग्रेट ह्यूमन बीइंग दैट ही इज़ तो वो तो मेरे ख्याल में ये अवार्ड है वंडरफुल लेकिन वो सबसे बड़ा अवार्ड रहा है आपका क्या ख्याल है दिलीप साहब जो हैं वो बहुत क्वाइट हैं अपने बारे में हमेशा आप वो बहुत अच्छा कोई जब काम शॉट अपने शूटिंग के दौरान जब करते हैं जब भी वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे अक्सर लोग वेट करते हैं कहें वाह क्या शॉट दिया है वाह क्या काम किया है लेकिन यूसुफ साहब को कभी भी वो उस किस्म की फीलिंग नहीं रही और हमारे काम के लिए भी जैसे हम उनके कोस्टार रहे हैं मैं या और बड़ी बड़ी हीरोइंस और कॉलीग्स जो हैं जब जब उन्होंने काम किया तो उनकी तवक्को थी कि वो दिलीप साहब से काम करें उनके साथ काम करें और अच्छा सा शॉट दे दें क्योंकि जो आर्टिस्ट काम करता है यूसुफ साहब के साथ वो हम अब बेहतर से बेहतर अपना काम हो जाता है हमारा हम हमारा कुछ अलग ही पॉलिश आ जाता है उनके साथ उनका असर कुछ जो है वो हम पे आ जाता है तो वो हम तवक्को करते थे यू नो कि दिलीप साहब अब हमारा शॉट देखेंगे और कहेंगे ओ वंडरफुल वेरी गुड यू डन सो वेल लेकिन हमेशा हमको मिलता था गुड नाउ द नेक्स्ट शॉट वेयर इज द कैमरा सो ही हैज ऑलवेज बीन अंडर प्लेड ये अवार्ड भी जो मिली है वो बहुत खुश हैं वो मुस्कुराए थोड़े से आंसू आंखों में नमी हुई उनके लेकिन उससे ज़्यादा वो कुछ जाहिर नहीं करते क्योंकि वो दुनिया जो है दुनिया की जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसको वो कुछ अहमियत देते नहीं हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं बहुत सेंसिटिव हैं तो बहुत खुश हैं लेकिन ये कि वो बहुत कुछ कहें इस बारे में वो तवक्को नहीं कर सकते हम जी आप बॉलीवुड में कई लोग कहते हैं कि बॉलीवुड क्यों कहते हो फिल्म इंडस्ट्री को फिल्म इंडस्ट्री हाँ लोग कहते हैं नहीं बॉलीवुड बॉलीवुड अच्छा लगता है आप लोगों को एक्सक्यूज मी आदत ही पड़ गई है सॉरी टू से आदत ही पड़ गई है लेकिन देखो ना ट्राई से फिल्म इंडस्ट्री जी फिल्म इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि बादशाह हैं शहंशाह हैं लेकिन वो शहंशाह वो बादशाह कहते हैं अगर अगर हमने उनके साथ काम नहीं किया तो हमने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा कभी दिलीप साहब ने भी ऐसी बातें आपसे कुछ शेयर की हैं अभी तो मैंने तुमसे कहा है जी अभी तो कहा है कि वो अपने आप को ना बादशाह समझते हैं ना शहंशाह समझते हैं बहुत ही साधारण इंसान है बहुत ही डाउन टू अर्थ है और वो ही उनकी ह्यूमिलिटी जो है कि जो दरख्त जो है जिसके ऊपर जिस शाख के ऊपर फल आता है तो वो अल्लाह ताला भगवान ईश्वर कहता है वो डाली जो होती है वो झुकती है वो झुक जाती है तो दिलीप कुमार वो खूबसूरत डाली हैं जिस पे फल के फल अल्लाह ने लाद दिए लेकिन वो अपनी ह्यूमिलिटी में झुके रहे मैंने ज़िंदगी में उनको ना अपनी तारीफ करते हुए सुना है और ज़िंदगी में मैंने उनको किसी की बुराई करते हुए नहीं सुना है ये आप ज़रूर सुनिए मेरे से मैंने कभी भी नहीं देखा और कभी मैं शरारत में कभी कुछ करूं भी ना मैं चाहूं कि चलो चलो कुछ मिस्चिफ करूं कि कुछ कह दूं देखूं सामने से कुछ जवाब आता है कि फलाने ने ये किया ये सुना है कितनी बुरी बात है जस्ट टू गिव हिम यू नो अ बिट ऑफ अ लिफ्ट टू से समथिंग लेकिन वो हसरत ही रह गई क्योंकि उन्होंने हमेशा पलट के यूं कहा कि सायरा तुमने ये देखा है कि उस आदमी में ये क्वालिटी है उस आदमी में ये क्वालिटी है यानी कि जो मैंने कोशिश की उसको तमाम कर देते थे उसकी अच्छाइयाँ करके
enjoys amongst the film industry. मैंने वही कहा, वही कहा. So what are the wishes that have come for this award to him? We heard last night Mr. Amitabh Bachchan visited him. Any other wishes that have come, ma'am, for the award? Yes, of course. You know, messages and notes and flowers and good wishes galore have come in. Amitabh ji ka bhi, because he is a great admirer and a good wisher of Dilip sahab, wo unke ideal rahe hain. Aur unhone note mein likha hai, I would like to share with you, ke hum bas Ishwar se yehi dua karte hain ke aap sehatmand rahe aur hamesha hamesha qaim rahe. Dilip sahab is one of the greatest icons of the Indian cinema. Perhaps the only one award that is bigger than a Padma Vibhushan would be a Bharat Ratna. Would you also want him to be awarded by the Bharat Ratna? जैसे मैंने आपको कहा कि ये सब जो materialistic awards वगैरह हैं या जो भी सम्मान हैं जो दिए गए हैं वो they are welcome. For instance, award अगर किसी बहुत बड़ी award जो है उनको 8-10-12 दफा भी मिल जाती है तो उनके फेस पे मुस्कुराहट आती है, एक सुकून आ जाता है. लेकिन उनको कभी ये ख्वाहिश नहीं हुई कि मुझे ये अवार्ड मिले या मुझे ये तमखा मिले. तो वेदर इट्स विभूषण, वेदर इट्स भारत रत्न, लेकिन जो दुनिया की मोहब्बत है, क्योंकि सिनेमा एक्टिंग जो है वो आज अल्लाह के फजल से, ईश्वर की मेहरबानी से, वो ऐसी लिखी जाएगी सिनेमा एक्टिंग के बिफोर दिलीप कुमार एंड आफ्टर दिलीप कुमार. क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त से जब एक्टिंग शुरू हुई है तो एक बड़ा थिएट्रिकल पहलू था सिनेमा एक्टिंग का. वो उस तरह से हुआ जाता था, एक्टिंग होती थी जैसे कोई थिएट्रिकल स्टेज का ड्रामा हो रहा है. लेकिन दिलीप साहब ने उसको एक नया शेप दिया, एक नया पैमाना दिया, ये स्टडी करके कि ऐसा होना चाहिए. उनके लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं, जो उनकी किताब में आप पढ़ेंगे, वो यूँ होना चाहिए कि एक्टिंग कैमरा के सामने यूँ लगनी चाहिए कि इंसान एक्ट कर ही नहीं रहा. रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है बिल्कुल वैसे होना चाहिए. अब शायद मैं आपके सामने, सबके सामने, कैमरा के साथ सामने बैठी हूँ आप सबके, तो डेफिनेटली मैं कॉन्शियस होंगी कि मैं इधर देखूँ या मैं ये करूँ या वो करूँ. यूसुफ साहब जो हैं, दिलीप साहब, उन्होंने इतनी मास्टरी की है, अपना लिया है एक्टिंग को, कि वो यूँ लगता है कि बिल्कुल जिंदगी का एक नेचुरल पहलू वो बयान कर रहे हैं. बहुत खुश हैं. राजनाथ जी वो सो काइंड टू कम हियर. मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ कि राजनाथ जी खुद यहाँ आए, क्योंकि मोबाइल्स ऑफ करें तो बेहतर होगा. प्लीज पुट योर मोबाइल्स ऑफ. तो राजनाथ जी जो यहाँ आए हैं, हम लोग को इतनी खुशी है, मुझे इतनी खुशी हुई है, क्योंकि ये जो राजभवन में दिल्ली में फंक्शन हुआ था तो उस समय जो है दिलीप साहब ने माइल्ड एक जॉन्डिस डेवलप हो गया था उनका. और अनलाइक नॉर्मल पीपल, दिलीप साहब को नेचुरली इस स्टेज ऑफ लाइफ में कुछ होता है तो इट टेक्स मोर टाइम टू रिकवर. फिर उसके बाद कुछ हुआ, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं. तो हमें वक्त लग गया कि हम नहीं जा सके वहाँ. तो राजनाथ जी ने, मोदी साहब ने खुद, यानी कि ये सोचा कि राजनाथ जी यहाँ खुद आएँ और दें, अदरवाइज ही कुड हैव सेंट इट विद एनीवन एल्स. तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अहमियत वाली बात है, बहुत खूबसूरत बात है कि उनके मुबारक कदम जो हैं हमारे घर आए, और चीफ मिनिस्टर साहब भी आए, गवर्नर साहब आए. तो इट्स अ ग्रेट ग्रेट थिंग, ग्रेट ऑनर, एंड वी फील सो हैप्पी. ऐसा लगा जैसे हमारे कोई फैमिली के आके गए. Ma'am, Dilip Kumar sir is regarded as one of Indian cinema's first superstars, and Shah Rukh Khan also very famously idolizes him. ये बातें कर रहे हैं तो फिर आपके सवाल जो हैं गुम हो जाएंगे. Any other young superstars of today or the stars of today that you feel idolize Dilip Kumar sir or you know any of the young stars? जी, of course they do. बहुत ही kind हैं. यूसुफ साहब पहले superstar रहे हैं Indian cinema के, और अब जो हैं, मैं सोचती हूँ, यूसुफ मियाँ भी जानते हैं, सोचते हैं कि दे ऑल वेरी वेरी गुड. हम शायद इतने बुद्धू थे, लेकिन आजकल माशाल्लाह दे आर वेरी स्मार्ट. वो
वो अपना काम इतनी अच्छी तरह जानते हैं, अपना तरह डील करते हैं, इतना अच्छा उसको सुपरवाइज करते हैं जो शायद हम जिंदगी भर नहीं कर सकते थे। अब आजकल माहौल अलग है, वो माहौल अलग था, उस टाइम का जो नज़रिया है वो बिल्कुल अलग था। तो इट्स अ डिफरेंट गेम, डिफरेंट बॉल गेम टुडे टोटली। और उस किस्म का जो डेडिकेशन जो दिलीप साहब देते थे अपने काम की तरफ, क्योंकि यू नो ही डिड ओनली वन फिल्म 2 साल में 3 साल में, और आपको ये भी मालूम है कि कभी भी जब काम किया तो उन्होंने इस तरह के रेलिवेंट सब्जेक्ट्स जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स बनाए विच आर रेलिवेंट ज़माने के हिसाब से, जैसे कि फिल्म लाइक पैगाम, फिल्म लाइक गंगा जमुना, ऑल ऑफ देम आप देखिए उनके जो क्लासिक्स हैं काम किया है। तो आई थिंक के उन्होंने बहुत ही जो कम काम किया है वो इसलिए कि ही कुड डिवोट हिमसेल्फ टोटली टू हिज प्रोफेशन। अब आज हम लोगों में कितना कसबल है, आगे की पौध में कितना कसबल है वो करने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से 4-6 पिक्चरें और 3-4 फिल्म जब तक नहीं होते तो इंसान ज़रा घबरा जाता है कि ओ आज शूटिंग नहीं है, इस किस्म की बातें। लेकिन मेरा ख्याल है जैसे आमिर है, आमिर बहुत ही यूसुफ साहब के नक्शे कदम पे चलना चाहता है। शाहरुख ऑल्सो इज़ डूइंग वेरी वेल, बहुत कम काम वो भी कर रहे हैं। एंड सलमान ऑफ कोर्स, दे आर ऑल वेरी वेरी गुड, वेरी गुड एट देयर वर्क। Is never fulfilled or satisfied with the film work. So is there any unfulfilled dream or desire that Dilip saab still has in terms of cinema? अब मैं सवाल नहीं जवाब दूंगी जब तक आप ये मोबाइल्स बंद नहीं करेंगे। I will not. Sorry ma'am. Any unfulfilled dream or desire that Dilip saab still has in terms of cinema? नहीं, मेरे ख्याल से जो है he has done the gamut. और यूसुफ साहब का ये है, मुझे इतना मालूम है कि जब मेरी शादी हुई उनके साथ तो राम और श्याम काफ़ी बन चुकी थी, तो उस ज़माने में उन्होंने तो मुझे डरा दिया। क्यों डरा दिया पूछो? यूँ कि कहने लगे, सायरा आई हैव डन सो मच फ्रॉम ए टू जेड, मुझे लगता है राम और श्याम के बाद मैं रिटायर हो जाऊँगा। तो आई सेड व्हाट, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़। और आप यकीन मानिए कि मैंने उनके साथ प्लीड किया है, लिटरली he was doing Aadmi aur Rama Shyam, maine literally plead kiya ki please please you don't do this, you continue. To phir kafi lull hua tha kyunki he had got into a few personal problems also, to kafi beech mein lull aaya aur uske baad phir se unhone jo hai kaam shuru kiya, jaise ki bairag mein shuru kiya tha, phir uske baad ek lull tha wo pura group of films ke baad kranti kiya, you know, a change over to pivotal roles that he did. और उनका उस दौरान जब वो ज़रा परेशान रहे थे, कुछ साल ऐसे गुजर गए जब उन्होंने काम नहीं किया था, तो उसके अंदर जो है ज़्यादातर he devoted, you know, he loves to go outdoors and loves to spend his time, you know, with nature. उन्होंने ज़्यादातर he just sort of sat back and enjoyed life. Should he have also tried Hollywood and conquered the West as? ओह नो, आई डोंट थिंक सो, ही वॉज नेवर इंटरेस्टेड, बिकॉज डेविड लीन चाहते थे कि वो काम करें इन लॉरेंस ऑफ अरेबिया। फिर मुझे याद है कि मुझे बाद में पता चला कि ताजमहल दे वर टू मेक विद एलिजाबेथ टेलर एंड विद दिलीप साहब। इमेजिन एलिजाबेथ टेलर विद दिलीप साहब, तो मेरा चांस कब आता? अगर कुछ होता, कुछ हो जाता तो मैं तो गायब थी ना, तो शुक्र है कि हॉलीवुड नहीं गए। जी बोलिए मैम, सारे जितने सिर्फ लुक देंगे थोड़ा। मैम